Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. ध्यान में बैठते तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, तो ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन ऐसा है कि ध्यान में बैठते तो बहुत सारे विचार आते हैं, तो ध्यान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न है। मन में विचार तो हर वक्त ही आते हैं। मन का काम है सोचना, वो सोचेगा ना, और मन सोचना बंद कर देगा उस दिन तो मृत्यु ही हो जाएगी। मन सोचते दो ना, आप अपना ध्यान करो। अब ध्यान क्या करना होता है? ध्यान करना होता है मन की सोच में शरीक नहीं बनना, मन की सोच में शरीक नहीं होना, शिरकत नहीं करना, ये ध्यान है। जैसे आप अभी बैठे हो, दिल धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है? कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। खून चल रहा है या नहीं चल रहा है? एनी प्रॉब्लम? खून दौड़ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आँख की पलक भी झपक रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अरे सांस भी चल रही है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी चीज़ें चल रही है, तो दिमाग में अगर विचार चलता है ध्यान में बैठते हो तो प्रॉब्लम क्या है? आप इन सब चीज़ों के होते हुए इन सब से अप्रभावित भी हो, आपका ध्यान कहीं और है इस टाइम में, सुनने में लगा हुआ है, ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हमें इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जब आप ध्यान में बैठो, आप केवल एक बात का ध्यान रखना कि आपको विचारों में इन्वॉल्व नहीं होना है, खुद खोना नहीं है, अपने विचारों के साथ कल्पनाओं को जोड़ना नहीं है। विचार कोई भी आएगा, आप कल्पना मत करना, बस इतना ही काम करना, विचारों को देखते रहना, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, और उनको सहज रहना, परेशान मत होना। परेशान हो जाते हो इसीलिए आपको ध्यान से डर लगता है। परेशान मत बनो, विचारों को आने दो जाने दो, आप बैठे रहो, शरीर को स्थिर करो और अपने मन को कहीं एकाग्र कर लो, कहीं टिका लो। जैसे आपने टिका लिया आज्ञा चक्र पे देखना है, तो बैठ जाओ आज्ञा चक्र पे देखते जाओ, पांचों इंद्रियों को केंद्रित कर लो यहाँ पे, मन को भी केंद्रित कर लो, देखते रहो। अथवा किसी ने टिका लिया कि मुझे श्वास को देखना है, आती श्वास जाती श्वास, केवल नाक में से कब श्वास, कौन से द्वार से आ रही है जा रही है, आंखें बंद करके वहीं पे देख लो। अथवा किसी ने आधी आंख खुली रखी आधी आंख बंद रखी और नाक के अग्रभाग पे अपनी दृष्टि टिका लिया, से नासिकाग्र पे, तो नासिका के अग्रभाग पर देखते जाओ, विचार आ रहा है आने दो जा रहा है जाने दो, आप अपना केंद्र मत छोड़ो, छूट जाए तो लौट के लाओ, लौटा के लाओ अपने मन को, फिर मन जाए फिर लौटा के लाओ, और वहीं पे बैठे रहो, अभ्यास करते जाओ। एक समय आएगा कि विचार और आपके बीच में एक दूरी हो जाएगी, और जिस दिन विचारों और हमारे बीच में दूरी हो जाती है, उस क्षण ध्यान की घटनाएं घटने स्टार्ट होती है। लेकिन वो सब अभ्यास से होता है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई झाड़ू नहीं लगाऊं, क्योंकि झाड़ू लगाता हूं कमरे के अंदर तो मिट्टी दिखाई पड़ती है, मिट्टी उड़ के आती है, इसलिए झाड़ू ना लगाऊं, तो ठीक है, झाड़ू लगाओगे तो मिट्टी उड़ के आएगी ना, ना लगाओगे तो पड़ी रहेगी, तो झाड़ू ना लगाना बेटर नहीं है? लगाते हो ना, मिट्टी उड़ के आती है तभी लगाते हो, ऐसे ही तो ध्यान है। ध्यान करोगे तो मिट्टी जो अंदर जमी पड़ी थी वो उड़ करके आएगी, वो दिखलाई पड़ने लग जाएगी, उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए उड़ के आ रही है, इसीलिए दिखलाई पड़ रही है, ताकि वो हटाई जा सके, खत्म हो सके, साफ की जा सके। तो आप कह रहे हो कि महाराज साहब जी ध्यान करूँ कि ना करूँ, विचार बहुत आते ध्यान करता हूँ तो। हम कह रहे आप अपना ध्यान में बैठो, विचारों को आने दो, आप उसे प्रॉब्लम मत लो, केवल उसमें शरीक नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना। जय हो।